पुण्यातील आझम कॅम्पस येथे केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री के रेहमान खान यांनी भेट दिली. यावेळी महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष पी ए इनामदार, उपाध्यक्ष आवेदा इनामदार, मुनवर पीरभाय, लतीफ मकदूम आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना खान म्हणाले, आपल्या समाजाला नेहमी डावलले जाते अशी नकारात्मक भावना मुस्लिम समाजाने ठेवू नये. तसे प्रत्यक्षात नाही, पुढील काळात असे वक्तव्य करून चालणार नाही. आपल्याला डावलले जाते अशी मुस्लिम समाजाची भावना असून तसे वक्तव्यही अनेकदा केले जाते, परंतु वस्तुस्थिती तशी नाही. मुस्लिम समाजासाठी वेगवेगळ्या योजना केंद्राने दिल्या असून समाजाच्या विकासाचे प्रयत्न सुरू आहेत असे खान यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांसाठीही अनेक योजना आहेत. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या नावानेही शिष्यवृत्ती दिली जाते. उच्च शिक्षण घ्यावे यासाठी चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वकिलीला प्रवेश घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा विचार सुरू असल्याचे खान यांनी नमूद केले. माइनॉरिटी लीडर इस कैंपस को विजिट करना चाहिए और देखना चाहिए कि इन 10-15 सालों में इस कैंपस में क्या तब्दीली आई है, किस तरह से यहाँ जो मुसलमानों के तालीमी जो मसाइल हैं उसको इन्होंने किस तरह से हल किया है और जो इंस्टीट्यूशंस इन्होंने चला रहे हैं वो 30 से ज़्यादा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये इंस्टीट्यूशन ऑफ एक्सेलेंस चला रहे हैं. इंस्टीट्यूशंस तो बहुत चला रहे हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस आए ही हमारे, मगर इंस्टीट्यूट्स ऑफ एक्सेलेंस जो यहाँ इनका स्कीम स्कॉलर बैच की है, जहाँ उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है कंप्यूटर एजुकेशन जो है यहाँ पर, यानी कि इस कैंपस में अंदाज़ा लगाइए कि 3000 से ज़्यादा कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं. वाईफाई है, इनका ही एक नेटवर्क है, पूरे इंस्टीट्यूशन को जोड़ा गया है. ये मॉडर्न थिंकिंग, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जो ये कैंपस को ले जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक यूनिक इंस्टीट्यूशंस हैं इनके. इसको हर आदमी देखकर मोटिवेट होना चाहिए, जो भी एजुकेशन फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इस कैंपस से मोटिवेशन हासिल करना चाहिए. के रहमान खान साहब ने 11th एंड 12th साइंस के बच्चों को 2 साल हॉस्टल में रखकर, ब्रिलियंट बच्चों को फ्री खाना रहना, फी हर बच्चे को 75,000 हर साल देकर बड़े शहर में, यानी जहाँ पे यूनिवर्सिटी का सेंटर है, ऐसे जगह पढ़ाने का डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लिया हुआ है. ये 9 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब और दिल्ली, यानी यूनियन टेरिटोरी. यहाँ पर ये स्कीम लागू होने वाली है 2013 और 2014 से. और यहाँ पे कौन से बच्चों को एडमिशन मिलेगा, जो मिनिमम 80% से ज़्यादा एसएससी के एग्जामिनेशन में मार्क लिए हुए हो. तो ब्रिलियंट बच्चा, अच्छी इंस्टीट्यूशन, कंप्लीट फाइनेंशियल सपोर्ट, इसके साथ में 1000 बच्चे अभी 2013-2014 में इस मुल्क में 12th साइंस का एग्जामिनेशन देंगे, साथ साथ में एंट्रेंस टेस्ट का भी प्रिपरेशन करेंगे. और ये दोनों चीज़ें जब मिलकर होगी, मुझे पूरा यकीन है कि एक नया रेवोल्यूशन आने वाला है.